हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 61, एक तार की लंबाई दे रखी है और उससे बनाए जा सकने वाले जो 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 5000 आएगा। सबसे पहले आपको आर निकालनी पड़ेगी, रेडियस, और उसके बाद आपको जाके नंबर ऑफ जो सर्कल्स हैं वो आपको पता चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है और इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिस्टेंस 140 प्लस 260 आपका 400 डिस्टेंस हो गया, अपॉन में स्पीड जो है 60, इसको आप अपना मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका आंसर 24 सेकंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की बिक्री के मूल्य उसको लाभ हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, 33 SP है तो वो 11 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब होता है, जब SP माइनस CP करते हैं। तो 11 SP माइनस CP, यहाँ से आपका जो SP और CP का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/2, जिसका मतलब 1/2 × 100, तो 50% जो है आपका आंसर। ऑप्शन 3 इज द क्वेश्चन नंबर 64, ये टाइम डेज एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। चार पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य से दुगना बड़ा जो कार्य है उसको बताना है कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पहले यहाँ टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर उसको इसमें पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं जो आएगा 7। यहाँ पे मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो आएगी 3:2, बाकी आप आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट 65 का आंसर आप इसको रेशनलाइज करके कर सकते हैं, जिसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट, ये जो निम्न श्रेणी का अगला पद आपसे पूछा हुआ है तो ये आप सॉल्व करें, बहुत ईजी है, आप डिफरेंस देख सकते हैं इनका, तो इसका आंसर आएगा WUY। नेक्स्ट भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि कौन सबसे छोटा है, तो इसमें जो सबसे छोटा है वो आएगा E। नेक्स्ट, सम चतुर्भुज यानी एक रॉम्बस दे रखा है, रॉम्बस में सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है 1/2 × diagonal 1 and diagonal 2, तो डायगनल 1 और 2 आपको निकालने पड़ेंगे। 40 डायगनल दे रखा है तो 20 20 हो जाएगा, ये 25 है, तो पाइथागोरस से आप ये साइड निकाल सकते हो 15, और फिर आप इसके बाद फॉर्मूले में पुट कर सकते हो दोनों डायगनल के वैल्यू, तो एक 30 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ से 600 जो है वो आपका आंसर आएगा। 69, दो मिश्र धातु तांबे और टीन से बनी हुई हैं, पहली में इतना तांबा और टीन है, दूसरे में इतना है, तो तीन इनको मैक्सिमम एलिगेशन से किया हुआ है, तो इसका आंसर जब भी आप निकालोगे तो वो आएगा 3:5। नेक्स्ट, ए ने कहा वह लड़का मेरे माताजी के पिताजी का पुत्र है, तो मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, तो उसका वो पुत्र ही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, गलत बताना है आपको, तो इनमें जो गलत है वो आएगा 552। 5000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा, तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है PR² / 100 × 100, तो आप यहाँ पे P और R की जो वैल्यू रखेंगे उसके बाद आपका आंसर 72 आएगा। 73, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया यानी 96/100 कर दिया, छोटी को 12% बढ़ा दिया यानी 112/100 कर दिया, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होंगी, यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, और फिर रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ से 6:7 का, तो 6 और 7 13 आप x करके 520 कर सकते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40, तो आप जो छोटा नंबर था वो 6 था, तो आप कर सकते हो 40 × 6 = 240, तो आंसर जो सेकंड है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको इसमें से गलत पद बताना है, तो गलत जो है वो है P41N। एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड दे रखा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जो होता है 2 × LB + BH + HL, तो ये आएगा 236 cm². एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर दाईं तरफ मुड़ रहा है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर देखिए, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जा रहा है, पहले ये दक्षिण में गया फिर अपनी राइट तरफ, तो उसका राइट यहाँ आएगा, 8 किलोमीटर मुड़ता है, उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए उसका जो बायां है वो यहाँ आएगा, 10 किलोमीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो ये शुरुआती थी और यहाँ पे है, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, तो वो साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट, एक लड़के की पंक्ति में ए बाईं तरफ से 15वें पे है, दाईं से 4थे पे है, तो आपको ये बताना है कि सी की स्थिति दाईं ओर से क्या है, तो वो आएगी 9th, 9वीं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है फिर दक्षिण की ओर चलता है, तो ये जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, W दे रखा है, स्ट्रॉन्ग दे रखा है, तो आपको वीक बताना है, तो वीक का जब आप आंसर निकालेंगे तो ये आएगा आंसर 40, यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द राइट वन। ये आपको 5a + 1/3a = 5 दे रखा है, 9a² + 1/25a² ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो ये सब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 39/5। तो फ्रेंड्स, ये मैथ्स और रीजनिंग थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।